आ गए ये लोग शॉपिंग करके। शॉपिंग करके आ गए, इतने सारे सामान लेके आएंगे देख लो। यस फोटो क्लिक कर लो। हां वो भी आ गया, बेबी का भी, बेबी का मॉस्किटो नेट, बाबू सबका, भैया का सबका आ गया। ठीक है ओके। मच्छरदानी बेबी का, बेबी मच्छरदानी, बेबी की मच्छरदानी, बेबी को रखो भी। ये बड़ा वाला लिया गया ताकि इसमें काफी दिन तक ये रहे। वो छोटा वाला दिखा रहा था, बोल रहा था कि उसमें दो ही तीन महीने रहेगा बस, इसलिए हमने इसको बड़ा वाला लिया। 9 महीने सही है, बढ़िया। ये मेरे से कह रहे हैं फोन पे 9 महीना नहीं 9 साल। 9 साल मैंने गलती से बोली, 9 साल तक आ जाएगा। हम कहे मैंने सोचा 9 साल का बच्चा कितना बड़ा। वही मैं कही, मैंने तभी कहा मुझे 9 साल वाला नहीं चाहिए भैया, इतना बड़ा बच्चा वाला। 9 महीने बना रहे हैं। और क्या लाए हो तो दिखाओ सामान, तुम तो रख ही दिए हो। पहले बाबू को दिखाइए, फिर हमारा दिखाइए, पहले हमारा दिखा रहे हैं जो आ गया हाथ में। जींस मुझे पसंद नहीं आ रही थी, काफी देर से ले लिए। ट्राउजर ले लिए, एक बुलेट ट्राउजर, दो ट्राउजर, तीन ट्राउजर, एक टी शर्ट। मम्मी की साड़ी, मम्मी की साड़ी, और सही। वैसे भी गर्मी आ रही है। कलर कैसा है? अच्छा, ये कपड़ा बेबी का दिया है, बेबी के चाचू ने, मेरे दोस्त को दिया है। ये दोस्त है, चाचू नहीं, ये दोस्त है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। कुछ दो ना दो, अब सब गिफ्ट में ये दिया करो, ये डेली यूज होता है। ये बॉटल कवर, छोटी छोटी बॉटल के कवर बेबी के। रैश क्रीम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सब लोग जो भी अगर हमारे आना, पैंपर जरूर लाना, पैंपर पैंट वाला, बेबी की ड्राई शीट, योगी ड्राई शीट, मतलब मेन तो ज्यादा इन्हीं का सामान है। और ये सबसे बड़ा सामान है तो। और थोड़े बहुत किचन के सामान है, ये किचन के सामान दिखाएंगे इसको पास करो मम्मी। किचन का सामान किचन में जाने दो, किचन सामान रख देते हैं। बाय बाय बाय। माँ की साड़ी दिखा दो, माँ आई थी, माँ की साड़ी आई है, माँ आ जाइए, आ जाइए मम्मी, आ गई माँ। अच्छी है, बढ़िया पक्का। कैसी लग रही माँ? ठीक है भैया। मम्मी एकदम चमक जाएगी, मम्मी हीरोइन बन जाएगी। लो बॉटल में डालना भी शुरू कर दी। यस आप देखें डालने के बाद कैसी लग रही है। सही है। अच्छा हाँ क्यूट है। चलो नजर मत लगा देना। नहीं नसुई। नींबू मिर्ची भी ले आओ। नींबू मिर्ची लटका दो, सूखी मिर्ची ले आओ। ये देखो कल शॉपिंग और आज पैकिंग। पैकिंग शॉपिंग करे थे पैकिंग करने के लिए। गेस करिए कहाँ जा रहे हैं। गेस क्या करना है, कहाँ जा रहे हैं, ऐसे बोरिया बिस्तर बांध के कहाँ जाएंगे बताइए। जा रहे हैं अपने गांव, जा रहे हैं अब मिलेंगे। और क्यों जा रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, किस रीजन से जा रहे हैं, वो सब अब सरप्राइज है, वो आप लोगों को पता चलेगा। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, लेकिन अभी नहीं पता चलेगा। सस्पेंस आके ज्यादा मजा आएगा। यस थोड़ा थोड़ा सस्पेंस भी होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। माँ अभी तैयार होकर के बैठ गई है जाने के लिए। नहीं अभी पूरी तैयार नहीं, अभी पैकिंग में लगे हैं। माँ तैयार होकर बैठी हुई है और साथ में रो भी रही है। रोई है मत माँ, रोई मत। दादी के रोने से पोता भी रोने लगा, लेकिन ये बेटा इनके, ये बेटा ये हंस रहा है, ये रो नहीं रहे। पर हीरो तुम क्या बना रहे हो? ये बना रहे हैं राजमा। माँ देखे तुम्हारा राजमा, एक बार देख तो लूं। दिखा तो दो। नहीं लो दिखाए नहीं। हीरो बना रहे हैं राजमा, है ना जीरो? किसके लिए? मम्मी के लिए बस, और कोई नहीं खाएगा। तो अब बन रहा है राजमा और यहाँ पर हो रही है तैयारी।
वो जा रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं अब। आप लोगों ने देखा गाइस, माँ भैया चले गए। जब कोई आता है इतने दिन से रहता है ना, और वो भी पहली बार ऐसा हुआ है कि माँ मेरी, मतलब कि इतने भैया और माँ दोनों लोग, पहली बार ऐसा हुआ है कि 1.5 महीने से रहे हैं यहाँ पर, 1.5 महीने किसी के साथ इतने दिन तक रहो। मैं, हम लोग जाते हैं 10 दिन होते हैं, तो मतलब तब अच्छा नहीं लगता है वहाँ से आने में, और यहाँ पर 1.5 महीने साथ में रहे, मतलब आदत बन गई थी कि उनके साथ रहने की, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी अभी गए, मैं गए हैं हीरो छोड़ने के लिए गए हैं माँ को भैया को। एक्चुअली देखे आप लोग, जैसे बोलो यहाँ पे सामान लेकर के जा रहे थे, मार्केट लगी है तो वो गाड़ी अंदर तक नहीं आती, तो इसलिए वो मेन रोड पे गए हैं, वहाँ से गाड़ी आ गई थी। गाड़ी बेबी है, क्या हो गया, ये भी सो रहे थे उस टाइम पर, अब ये भी धीरे धीरे करके उठ रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम से जग रहे थे ये भी। सब लोग इनको खिला रहे थे कि दादी माँ भी इनकी लगी हुई थी इनके साथ, चाचू भी लगे हुए थे। आज जैसे हमेशा रहते थे ना, जैसे इनको खुद को भी एहसास हो गया था कि हाँ दादी माँ और चाचू आज जा रहे हैं, मतलब डेली के उससे आज थोड़ा सा शांत थे, आराम से सो रहे हैं उठ रहे हैं, मतलब उतने जिस तरह से एक्टिव रहते थे आज, मतलब कि पता चल गया था इनको भी, खुद को पता चल गया कि हाँ कोई जा रहा है जैसे लग रहा है। मुझे खुद को ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्या करें, जाना भी था, जरूरी भी था जाना। वैसे अभी माँ रुकती, बट कुछ अर्जेंट काम भी आ गया था, इस वजह से माँ और भैया को जाना पड़ा। माँ अकेले तो जा नहीं पाती, इसलिए भैया को भी साथ में जाना पड़ा। भैया को इसलिए भी जाना था क्योंकि सबसे मेन है वो पढ़ाते हैं, तो जरूरी था वहाँ जाना क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था उनका भी, तो इसलिए वो भैया भी गए, और माँ वैसे भी अकेले नहीं जाती, तो माँ भैया दोनों लोग गए हैं। और अगर वैसे होता तो भैया चले जाते, माँ को छोड़ देते, बट माँ को कुछ काम था, अर्जेंट आ गया था, इसी वजह से तत्काल में हमें भी टिकट निकालनी पड़ी, और फिर माँ और भैया भी गए। क्यों जल्दी गए हैं, किस रीजन से गए हैं, उसका भी अपडेट आपको ज़रूर हम देंगे आपको धीरे धीरे आगे। आप कंटिन्यू बने रहिए, आपको पता चल जाएगा क्यों जल्दी गए थे, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। इस टाइम पर मुझे सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बेबी भी उठने हमारे बेबी उठ रहे हैं, उठ भी गए ये। अब मैं इनको देखती हूँ, माँ और भैया लोग हैं, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बट क्या करें, जो जरूरी है वो काम तो करना ही है ना, उन वहाँ भी जाना जरूरी था। तो चलिए ठीक है गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद क्योंकि बेबी अब उठ गए। गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस कल आपने देखा कि माँ भैया लोग चले गए, मैं आप लोगों से बातें ही कर रही थी कि बेबी उठ गए थे, जब ये उठ गए तो फिर आगे तो जाहिर सी बात है कंटिन्यू बात नहीं, मैंने कहा था कि बाद में बात करती हूँ। मैं ये भी सोची थी कि जब हीरो आएंगे तब बात भी कराऊंगी, उनसे भी साथ में बात करेंगे, बट हीरो बहुत लेट में आए थे और हम लोगों ने डिनर भी नहीं किया था, आई थिंक 11:30 हो गए थे और तब आए हैं, और उसके बाद हम लोग डिनर वगैरह करे, लेट हो गया था, फिर बेबी को भी देखना क्योंकि पता ही बेबी लोग डे में नीनी करते हैं और नाइट में हम लोगों को जगराता करवाते हैं, तो बस उनका काम तो यही है। और अभी ये आराम से घोड़े बेच के बिल्कुल मज़े से कितना भी शोर कर लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीनी करेंगे। लेकिन रात में अगर इनको थोड़ा सा लेटा करके इधर से उधर करवट भी लें तो ये तुरंत ही जग जाते हैं। अभी मैं तेज तेज बोलती रहूँ चिल्लाती रहूँ कोई असर नहीं पड़ेगा, इनको जगह जगह के अगर दूध देने के लिए भी, इनको दूध पिलाने के लिए जगह पर जस्टी मार मार के पैर पे ऐसे ऐसे करके, डॉक्टर ने बोला मारना है, वैसे करके इनको जगा के दूध भी देते तब भी ये नहीं जगते, और रात में बिना जगाए जग जाते हैं क्योंकि हम लोग को जगराता कराना होता है। और क्या करें, हमारी हैबिट ही है कि हम नाइट में सोते हैं, लेकिन और नाइट में हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती, और डे में अगर मैं सोचूंगी तो भी मैं नहीं सो सकती क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती है कुछ भी कर लूँ। और इतने दिन से जैसे कि आप देख रहे थे इतने ब्लॉग्स, इतने मतलब मैंने बना के रखे हुए हैं, बट सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है कि मैं एडिट कर लूँ, एडिटिंग ही नहीं कर पा रही हूँ मैं। एक बेबी बर्थ ब्लॉग का ही थोड़ी बहुत एडिटिंग की थी, वो भी सही से नहीं किया मैंने, जो हुआ मैंने छोटा मोटा ऐसे ही कर दिया, मैंने कहा अपलोड तो हो जाएगा। उसके बाद बेबी वेलकम, छठी, निकासन वगैरह ये सब हुआ, सबके ब्लॉग बना के रखी हूँ, बट अभी तक एडिटिंग नहीं हुई है। बट जब तक आप ये वाला ब्लॉग देखेंगे तब तक, उससे पहले आप सब देख चुके होंगे, बेबी वेलकम, छठी, निकासन, इन सबको देख चुके होंगे आप, तो कोई भी बात नहीं, लेट ही सही। मैं आप लोग को इसलिए हर ब्लॉग में ये चीज़ बता रही हूँ
कि लेट नहीं बल्कि बहुत लेट ब्लॉग्स जाएंगे। पहले था कि माँ थे भैया भी थे तो वो लोग हैंडल इनको कर लेते थे, हम लोग बात करते ना, लेकिन वो देखते भाई, मैं नहीं देखती थी ना, देखते थे माँ भैया भी, लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। क्योंकि नाइट में तो जैसे मॉर्निंग में और नाइट में हीरो थे साथ में, अभी वो ऑफिस के लिए निकल गए हीरो, मैंने कहा वीडियो एंड नहीं हुआ था, मैंने कहा आप लोग से बात करके मैं वीडियो एंड कर देती हूँ। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।